एक जून से आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी। तो आइए फटाफट जान लेते हैं पूरी खबर। दोस्तों, लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 जून से आपके लाइफ में काफी कुछ बदलाव होगा। लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई है। हालांकि अगले महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इसमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक में बदलाव शामिल हैं। हम बारी बारी से इन बदलावों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेनें। दोस्तों, 1 जून से आपको रेलवे ट्रैक पर 200 ट्रेनें चलती हुई नजर आएगी। इस ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रहा है। अगर आप किसी भी शहर में फंस गए हैं तो फिर इन ट्रेनों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह ही चलेगी। शुरू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। देश भर में राशन वितरण के लिए राशन कार्ड को 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का ये फायदा है कि राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य में बना हो, राशन किसी भी जगह का हो, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से से उस राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। इससे दूसरे राज्यों में फंसे गरीब मजदूरों को और गरीब परिवारों को फायदा होगा। इसके अलावा गो एयर की सस्ती उड़ानें भी 1 जून के बाद में शुरू होगी, जो केवल घरेलू उड़ानें होगी, जो देश में ही भ्रमण करेगी। देश के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य गो एयर की सर्विस करेगी, जो बेहद सस्ती होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि तेल कंपनियां भी अपने दामों में बदलाव करेगी। ज्यादा प्रभावित गैस सिलेंडर होंगे, जिनकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं। ऐसे में इस बार भी ये बदलाव होगा। कच्चा तेल फिलहाल $32 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्य सरकारें पहले ही पेट्रोल डीजल पर वैट को बढ़ा चुकी हैं। वहीं कुछ राज्य 1 जून से ही वैट बढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए, लेकिन वैट बढ़ने से आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।